तो अब इस बारी जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनके दो कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इस बार तो दोनों तरफ कुआं है और दोनों तरफ खाई है। आप जांच करवाएंगे तो भी सरकार जाएगी, और जांच नहीं करवाएंगे तो भी सरकार का जाना तय है। हम मान लेंगे सही थी तो दोबारा मोदी जी सत्ता में कैसे आएंगे? आप कह दीजिए गलत थी तो भाई आपको स्वीकार करना चाहिए, गलत है तो फिर मोदी जी को आज ही रिजाइन करवा देना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति के अंदर मैंने बोला दोनों तरफ कुआ है और दोनों तरफ खाई है। सबसे पहला सवाल आपसे कि हिंडनबर्ग कंपनी ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने धोखाधड़ी कर दी है, उसको लेकर आप क्या समझ? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे मैं उससे बात शुरू करता हूँ। आपने कहा कि शिखर से शून्य तक पहुँच करके लोग हैरान हैं कि अदानी जब शिखर से शून्य पे आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि लोग केवल हैरान नहीं है जी। आज भारत की जनता बर्बादी की कगार पे पहुँच गई है और उन लोगों की रूह कांप उठी है जो लोग केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करके या मौजूदा सरकार की नीतियों के ऊपर भरोसा करके अदानी के साथ आगे बढ़ रहे थे जी। अब जब अदानी का जो जहाज वो डूबने लगा है तो यकीनन बहुत से लोग डूबने वाले हैं साथ में, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं अभी आपने देखा होगा कि कल सिंगापुर की भी कंपनी ने उनके बॉन्ड को डिनाई कर दिया है। अलग अलग इंटरनेशनल स्तर के ऊपर, अलग अलग जहां पर उनके बॉन्ड्स थे, जहां पर उनके शेयर गिरवी थे, उन सब जगह पर उनकी वैल्यू को जीरो कर दिया गया है। उसका मतलब आप सोचिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये हैरानी का विषय नहीं है, गंभीरता का विषय है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार अभी आंख मूंद कर सो रही है, सरकार अभी इंतजार कर रही है, ना जाने किस चीज का इंतजार है। शायद कि कुछ बैंकों के दिवालिया होने का इंतजार हो रहा है। अगर कोई और व्यक्ति होता जी, या अगर आज सरकार कांग्रेस की होती तो क्या ये आज जो भाजपा के लोग जो चुप करके बैठे हैं, क्या ये तब भी चुप करके बैठे रहते? क्या इन आज के तरीके के अंदर ईडी सीबीआई जो हमेशा हर वक्त चौकन्नी रहती थी, क्या वो उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतना बड़ा स्कैम हो चुका है जिसने हर्षद मेहता स्कैम को भी पीछे छोड़ दिया है। कितने लोग तबाह होंगे, कितने घर बर्बाद होंगे, ये भी पता नहीं है। ये तो आंकलन भी नहीं लगाया जा रहा। लेकिन बात ये आ रही है कि इस डैमेज को कंट्रोल करने की तरफ सरकार जो है वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। सरकार अपनी नीतियों को अभी भी ठीक नहीं करना चाह रही, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और जो आरोप लगे हैं, जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, वो बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही संगीन आरोप है जी। क्या किया गया आपको शायद पता भी होगा और मैं बता भी देता हूँ आपके व्यूअर्स को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अदानी को इंडिया में कोई एसेट चाहिए थी, चाइना से अगर वो एसेट 10 रुपये में खरीदी गई तो वो जो इनकी डमी कंपनी थी उस डमी कंपनी के अंदर खरीदी गई 10 रुपये के अंदर, और वहाँ से डमी कंपनी से इंडिया में वो 40 रुपये में मंगाई गई। अब वो चीज़ अगर 40 रुपये में मंगाई जाती है तो जो यहाँ से ब्लैक मनी था उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जा रहा है? उस पैसे को वहाँ पे ऑफ किया जा रहा है जिसके थ्रू अदानी के शेयरों को दोबारा खरीदा जा रहा था। उन शेयरों की कीमत को बढ़ाया गया, कीमत बढ़ाने के बाद में बैंकों से लोन ले लिया गया। तो ये सारा का सारा स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड तरीके से हुआ है, और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तभी तो एक्शन नहीं हो रहा था। और रही बात नेताओं की, तो नेता तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उस सवाल पर आएंगे। लेकिन अगर हम बात अदानी ग्रुप कहता है कि इसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसा बाजार तैयार कर सके जिससे अमेरिकी की कंपनी को फायदा हो सके। देखिए अब तो आप कुछ भी कहते रहिए, ये बबल तो हमें काफी लंबे समय से नजर आ रहा था। हर व्यक्ति देख रहा था क्रॉनिक कैपिटलिज्म के थ्रू किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे। कैपिटलिज्म तक डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक कैपिटलिज्म जब आप जनता की, ये जो संपत्ति थी, रेलवे थी, एयरपोर्ट थे, जितनी संपत्ति थी, पोर्ट था, किसकी थी? ये देश की जनता की थी। इस जब देश की जनता की चीजों को आप दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर देते हैं कौड़ियों के भाव, और जनता के ऊपर कर्जे का बोझ लाद देते हैं, अनाप शनाप बैंकों के चार्जेस कटने लग जाते हैं, बैंक हर तरीके से जनता को दबाने का प्रयास करने लगते हैं बैंक ऐसे समय के अंदर, तब ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये जो सारी चीजें की गई हैं, ये सब प्लानिंग के तहत की गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि अडानी समूह अपने इन आरोपों से बचने के लिए राष्ट्रवाद का हवाला ले रहा है या उसका सहारा ले रहा है? देखिए अडानी जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जी, कहते हैं कि नक्शे कदम पर उसी पर चलते हैं जिस पर पिता चलते हैं उसी पे बेटा चलता है। अब जिस पे ऑलरेडी फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, उसी फर्जी राष्ट्रवाद को का नकाब ओढ़ करके अदानी भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब इस बारी जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। तो क्या लगता है कि अगर अडानी की पोल खुल जाती है तो कई ऐसे नाम सामने आ जाएंगे, कोई कई नामों का खुलासा हो जाएगा? देखिए जो 88 सवाल पूछे गए हैं जी, उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया।
इन्होंने बोला कि हम डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं, तो उस कंपनी ने बोला कि आप आइए फाइल करिए और साथ में अपने कागज भी लेकर आइए। ये तो दूसरों के कागज मांगते मांगते खुद के कागज दिखाने पड़ रहे हैं अब, और कागज दिखाने पड़ेंगे। अभी नहीं दिखाएंगे तो आने वाली सरकार देखेगी, लेकिन कागज तो दिखाने पड़ेंगे। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जो कंपनी हिंडनबर्ग जिसकी बात हो रही है, आज तक उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसने जिस कंपनी के ऊपर भी एलिगेशन लगाया, जो सबूत दिए, वो कंपनियां फाइनली डूब गई हैं। तो ऐसे समय के अंदर ये बहुत गंभीरता है कि हमें आज की तारीख के अंदर अदानी को एक साइड करके अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, LIC को बचाने के लिए, EPFO को बचाने के लिए, SBI को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अदानी के साथ में वो कंपनियां डूब जाएं। LIC के CEO को बाहर आकर के बोलना पड़ा कि हम सुरक्षित हैं। पहली बार 75 साल के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया है, तो इस स्थिति के अंदर देश को ला करके खड़ा कर दिया गया है। और बात करते थे करप्शन की, बात करते थे काले धन की, बात करते थे किसानों की आय दुगनी की, कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल ढकोसले के नाम पर सरकार चल रही थी। और अब जिस तरीके से अदानी का नकाब उतरा है, सरकार की जो गलत नीतियां हैं वो खुल करके जनता के बिल्कुल सामने आ गई हैं, और अब जनता इस पर बिल्कुल भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सानी जी, क्या लगता है कि अदानी के इस मामले को लेकर पूरा सरकार भी कहीं ना कहीं चपेटे में आ जाएगी, क्योंकि अभी तक सरकार की इस पर लेकर कोई चुप्पी सामने, मतलब छूट नहीं रही, कोई बयान सामने नहीं आ रहा? बयान कैसे देंगे? बयान नहीं दे पाएंगे। समस्या ये है कि अगर बयान विरोध में देते हैं तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सरकार बनाने में मदद की थी, जिनके साथ साथ आपने सरकार बनने से पहले वायदा किया था कि हम आपका साथ देंगे इस क्रॉनिक कैपिटलिज्म को लाने के लिए। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म को लाया गया। अगर आप जांच करते हैं तो वो जो पैसा उन्होंने आपको दिया वो खुल करके जनता के बीच में आ जाएगा। तो अब इस बारी जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनके दो कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इस बार तो दोनों तरफ कुआं है और दोनों तरफ खाई है। आप जांच करवाएंगे तो भी सरकार जाएगी, और जांच नहीं करवाएंगे तो भी सरकार का जाना तय है। विपक्ष अडानी के इस मामले को लेकर जांच की मांग कर रहा है, लेकिन क्या उम्मीद है कि इस पे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखिए, मैं ना आपको, मैंने लास्ट इंटरव्यू में एक जवाब दिया था, अगर ये जांच से भागते हैं तो अब भी स्थिति वही बनेगी। जांच तो करवानी ही पड़ेगी, और साथ में लपेटे में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी निकम्मे नेता आएंगे, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और नहीं तो 2024 में आने वाली सत्ता, वो किसी की भी सत्ता हो, सत्ता में केवल वही बैठेगा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और इन चीजों का हिसाब, क्योंकि जनता की एक एक रुपए का, जनता की एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। किसी के खाते में भी अगर गए होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, उसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया जाएगा। तो सर, जब अडानी समूह सवालों के निशाने पर है, तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ये तो वही है कि जब कहा जाता था कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो असली डंका तो आज बज रहा है। आज वो अंधभक्त जो चुप करके बैठे रहते थे, आज उनका फर्ज बनता है कि आज आप एक को चुन लीजिए, या देश से गद्दारी को चुन लीजिए, या देशभक्ति को चुन लीजिए, आज आपके पास सही समय है। आज बताइए अदानी सही है या गलत है, मोदी जी की जो नीतियां थी, मोदी सरकार की जो नीतियां थी, वो सही थी या गलत थी? आपको कुछ तो स्वीकार करना ही होगा। आप कह दीजिए सही थी, हम मान लेंगे सही थी, तो दोबारा मोदी जी सत्ता में कैसे आएंगे? आप कह दीजिए गलत थी, तो भाई आपको स्वीकार करना चाहिए गलत है, तो फिर मोदी जी को आज ही रिजाइन करवा देना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति के अंदर मैंने बोला दोनों तरफ कुआ है और दोनों तरफ खाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या समझते हैं, जरूर हमसे साझा कीजिएगा।